अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इमरान रज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल इमरान रज़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज के अपने टॉपिक जिसमें मैं आपको बताऊँगा कोरल ड्रा के बारे में। तो फर्स्ट ओपन द कोरल ड्रा न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, सो फ्रेंड्स, कोरल ड्रा की फाइल ओपन हो गई है जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कोरल ड्रा में यूज ऑफ फ्री हैंड टूल, टू पॉइंट लाइन, बीसीए टूल, पेन टूल, बी स्पलाइन, पॉली लाइन, थ्री पॉइंट कर्व। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्री हैंड टूल को यूज़ करते हैं। F5 इसकी शॉर्टकट की है। फ्री हैंड टूल की मदद से फ्रेंड्स आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे आप अपने सिग्नेचर काट सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं अपने सिग्नेचर कर रहा हूँ। इसकी आउटलाइन बढ़ाते हैं ताकि आप लोग देख सकें। 4 कर देते हैं, कलर इसमें ब्लू कर देते हैं। इसकी आउटलाइन की आप शेडिंग भी तब्दील कर सकते हैं, डॉट्स में, लाइन में। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्री हैंड टूल की मदद से आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। इससे आप उर्दू में भी टाइप कर सकते हैं फ्री हैंड टूल की मदद से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्री हैंड टूल की मदद से हम उर्दू में भी टाइप कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन इंक्रीज करते हैं, 4 कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ओपन करें तो ये मुख्तलिफ ऊपर ऑप्शन आ रही हैं, वेल्ड की, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट्स, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, और ये लास्ट में क्रिएट बाउंड्री। इनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड ऑप्शन है टू पॉइंट लाइन। टू पॉइंट लाइन की मदद से आप एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, टू पॉइंट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लाइन ड्रा कर दी है। इसकी आउटलाइन इंक्रीज करते हैं, 8। ये पॉइंट लाइन के ऑप्शन हैं। इसकी आउटलाइन ऐड करते हैं, इसमें कलर ब्लू करते हैं। इसकी भी आप आउटलाइन की शेडिंग दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। टू पॉइंट लाइन से फ्रेंड्स आप शेप भी ड्रा कर सकते हैं और अपना नाम वगैरह भी लिख सकते हैं। जैसे मेरा नाम इमरान है तो मैं लिखूँगा इमरान। I am ये फ्रेंड्स, आपको जब भी मैं ये शेप छोड़ता हूँ, ये देखिए ऊपर ये छोटा स्केयर नज़र आ रहा है आपको, ये इसका मतलब है कि यहाँ से शेप नहीं टूट रही, हम शेप के साथ ही काम कर रहे। ये मेरा एक ही नाम बन रहा है, IMRAN इमरान। सो फ्रेंड, ये मेरा नाम लिखा गया है इमरान। ये देखिए, एन पूरा एक ही शेप है, आर पूरा एक ही, और ए पूरा एक ही, एम पूरा एक ही, क्योंकि हमने इसको टूटने नहीं दिया। हम इसकी आउटलाइन ब्लू करते हैं, कलर ब्लू, आउटलाइन इंक्रीज करके इसको 4 करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा नाम लिखा गया है। आप टू पॉइंट लाइन से आप शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर स्केयर शेप ड्रॉ करते हैं। कलर इसमें ऑरेंज, आउटलाइन ब्लू,
साइज इसका आउटलाइन का 12 कर देते हैं। इसकी भी आप आउटलाइन की शेडिंग दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बीजियर टूल। बीजियर टूल की मदद से फ्रेंड्स आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपको एक स्केट नज़र आया, अब नहीं नज़र आया, स्केट से ये एक पूरी शेप ड्रा हो गई है। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम कलर करते हैं ऑरेंज, आउटलाइन ब्लू, इसका साइज 3। इसकी भी आप आउटलाइन में शेडिंग दे सकते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेन टूल। पेन टूल की मदद से आप किसी भी शेप को ट्रेस कर सकते हैं या आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसके कलर कर दिया है। पेन टूल की मदद से आप मुख्तलिफ शेप से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये पेन टूल से हमने शेप ड्रॉ की। शेप टूल में हम चलते हैं। शेप टूल में आते ही इसके ऊपर काफ़ी सारी ऑप्शंस ओपन हो गई हैं। ये देखिए, कन्वर्ट टू कर्व, ये है कन्वर्ट टू लाइन, ये नोड के एडिशन, ब्रेक कर्व और ऐड कर्व, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन वो एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको कन्वर्ट टू कर्व में शेप इसकी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, आपने अक्सर इस तरह की शेप्स देखी होंगी जिसमें राइटिंग लिखी होती है, तो ये आप पेन टूल से ही बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी स्प्लाइन, इससे आप शेप को ड्रॉ कर सकते हैं स्प्लाइन के शेप में। आप इससे स्क्वेयर, स्क्वेयर, रेक्टेंगल वगैरह नहीं बना सकते। ये देखिए, हमने एक शेप ड्रॉ की, इसमें हम कलर करते हैं। ये हमारी शेप अभी बंद नहीं हुई। सो हम शेप टूल में चलते हैं, इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मिल गए, ये नोड हमारे अटैच हो गए हैं। फ्लोट कंट्रोल पॉइंट्स, ये हमारी शेप प्रॉपर बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है पॉली लाइन। पॉली लाइन में फ्रेंड्स आप जिस तरह आप फ्री हैंड टूल में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, इसी तरह आप पॉली लाइन में भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं इधर अपने सिग्नेचर आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरे सिग्नेचर हो गए हैं। इसकी आउटलाइन ब्लू करता हूँ, आउटलाइन का इंक्रीज करता हूँ। इसमें भी आप शेप को किसी भी तरह से लिख सकते हैं, इससे भी आप अपना नाम वगैरह टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्री पॉइंट कर्व आ जाता है। थ्री पॉइंट कर्व, जब आप एक लाइन लगाएंगे तो वो कर्व एक आपसे एक मांगेगा, उसको आपने कर्व करना है। सेकेंड हम ये देखें, ये फिर स्केयर आपको नज़र आया, हमने इसको टूटने नहीं दिया। यहाँ पर भी इसको हम दिल की शेप में ड्रॉ करते हैं, ब्लू कलर करते हैं, आउटलाइन इसकी ब्लैकिश करते हैं, आउटलाइन इंक्रीज करते हैं 3। इसमें भी आप आउटलाइन को किसी भी कलर में तब्दील कर सकते हैं। इसकी आप शेप को, ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं ये वाले, मिरर हॉरिजेंटली और मिरर वर्टिकली, ये देखिए फ्रेंड, इससे आप शेप की रोटेशन चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आज आपको पेन टूल, फ्री हैंड टूल, पिक टूल, पेन टूल, फ्री हैंड टूल, थ्री पॉइंट कर्व, बीजीए टूल और पॉलीलाइन टूल के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।